बात करते हैं लुलु मॉल की, तो लुलु मॉल को लेकर लगातार विवाद तो जारी है। कोई नमाज वहां पर पढ़ने की तस्वीरें सामने आई तो कभी हनुमान चालीसा के पाठ की, लेकिन ये सियासी अखाड़ा आखिर क्यों बन रहा लुलु मॉल? सवाल अब ये है, सीएम योगी ने भी कड़े लहजे में कड़े शब्दों में इस पर फटकार लगाई है, ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर सियासत ना हो तो बेहतर। पहले आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहा सीएम योगी ने। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। तो सुना आपने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को लुलु मॉल में हालिया घटना पर उन्होंने कैसे चिंता जाहिर की है, क्योंकि साफ योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि किसी भी तरह से राजनीति का अड्डा जो है वो लुलु मॉल को ना बनाया जाए। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, आइए उनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद जो है पूरा वो कैसे बढ़ता चला गया। नीतू, बिल्कुल, तो लुलु मॉल पर विवाद जो है उस विवाद पर अब योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, बिल्कुल, और इस ये निर्देश देते हुए साफ साफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा यह गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर लापरवाही जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो बिल्कुल भी ना बरते। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने जिस सख्त लहजे में कहा, उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में एक मॉल को बनाया जा रहा है राजनीति का अड्डा। तो राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाए मॉल को, मॉल अपना काम कर रहा है, खुद योगी आदित्यनाथ सामने है, उन्होंने कहा मॉल के नाम पर प्रदर्शन और बयानबाजी जो है वो हो रही है, तो फालतू की बयानबाजी कोई भी नहीं करेगा और कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश बिल्कुल भी कोई ना करे। तो बिल्कुल, तो क्या कुछ हुआ है, ये क्या विवाद है, जल्दी से आपको बता दें, 10 जुलाई को लखनऊ में लुलु मॉल का यहाँ पर उद्घाटन किया गया था, बिल्कुल ये नया मॉल था जो बनकर तैयार हुआ था, जिसका उद्घाटन किया गया और इसके बाद ठीक अगले दिन यानी 11 जुलाई को मॉल को आम लोगों के लिए खोला गया कि मॉल का उद्घाटन हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उद्घाटन के वक्त मौजूद थे और अब आप लोग आइए और शॉपिंग कीजिए। 12 जुलाई को मॉल में नमाज पढ़ी गई जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गए और जब वीडियो वायरल हुए उसके बाद ये पूरा मॉल जो है विवादों में आ गया। नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, वायरल हुआ, उसके बाद ये मॉल भी खुद इस तरह के विवाद में आया कि आखिर नमाज अदायगी कि यहाँ पर जो परमिशन है, जो इजाजत है उसे किसने दी है, ये तमाम जो सवाल है वो उठने लगे। इसके बाद हिंदू संगठन जो है वो नाराज नजर आया और उसने नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई है। बिल्कुल, तो 14 जुलाई को नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ हालांकि FIR जो थी वो भी दर्ज की गई। बिल्कुल, तो ये तमाम मामला है और इसके साथ ही साथ ये विवाद जो है वो बढ़ गया है। अब इस पर योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि राजनीति का अड्डा इस मॉल को नहीं बनाना है और साथ ही साथ मीटिंग में अधिकारियों को और भी ज्यादा कई कड़े जो निर्देश है वो दिए गए हैं। सागर, तो बिल्कुल देखिए, लुलु मॉल पर लगातार विवाद तो जारी है। सहयोगी नीरज अब बताएंगे कि आखिर सीएम योगी की फटकार ये कितनी काम आने वाली है। नीरज, पिछले 10 दिनों से देखिए लुलु मॉल के उद्घाटन के बाद एक तरह तरह की तस्वीरें सामने आना, सियासी अखाड़े में लुलु मॉल का तब्दील हो जाना, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस पर विराम लगेगा। नीरज जी, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में सख्त हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका उद्घाटन किया था और अगले ही दिन जिस तरह से नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में और इतने बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, तमाम और भी मॉल्स हैं, वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें नहीं आई। आखिर जिस मॉल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वहीं पर ये हरकत की से हुई। इस पूरे मामले में पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और माना जा रहा है कि नमाज पढ़ना और उसके बाद उसका वीडियो वायरल करना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो तमाम हिंदू संगठन है उन्होंने भी वहां पूजा पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात करी और पढ़ी भी उन्होंने वहां जाकर, उसके बाद तमाम लोगों की अरेस्टिंग हुई, मुकदमा लिखा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है।
और इसमें बहुत ही जल्द पुलिस सभी लोगों को अरेस्ट करके इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब खुद किसी मॉल का उद्घाटन करते हैं, और ये मॉल प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल है, और वहां पर अगले ही दिन इस तरह की चीजें होने लगती हैं, विवादों में ये मॉल आ जाता है। बिल्कुल नीरज, देखिए सीएम योगी की कड़ाई जरूरी थी, जिस तरह से लुलु मॉल इस समय राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।